40 दिन से देखने वाला कोई नहीं है सर, आज यहाँ है तो सबको आके पूछ रहा है, आज यहाँ है तो सबको पूछ रहा है सर। नहीं नहीं अभी यहाँ है तो पूछ रहा है सब कोई सर, ऐसे क्यों नहीं पूछते हैं कोई, आज यहाँ खड़े हैं तो हमसे पूछा जा रहा है। सरकार सब जान रही सर, हम बेहतर जानते हैं कि पदाधिकारी सर जानते हैं सर बेहतर कि हम लोग का समायोजन कैसे करना है सर। 47 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए सर, कोई सर पैसा नहीं है आदमी के बस खाने के लिए। कैबिनेट में नियम नहीं बनता है, कैबिनेट होता है नियम बनाने के लिए सर, सरकार से ऊपर कैबिनेट, कैबिनेट से ऊपर कुछ नहीं है सर, सरकार नियमावली बना दे कि 14वां वित्त के कर्मी को ही 15वां वित्त में समायोजित किया जाता है, हो गया। केंद्र का चौचला बंद कीजिए, केंद्र का चौचला बंद कीजिए सर, झूठ झूठ का, झूठ झूठ का, झूठ झूठ का, हम लोग को तड़पाया जा रहा है सर, तड़पाया जा रहा है हमको। सचिव मैम कहती है कि कोई भी नियम से इन लोग का समायोजन नहीं हो सकता है सर, सरकार नियमावली बनाए हमारे लिए, हम लोग एक एक वोट देकर हम लोग कैबिनेट और विधानसभा नियम बनाने के लिए भेजते हैं सर। सर मरते दम हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, हम लोग कैबिनेट और विधानसभा भेजते हैं नियम बनाने के लिए ही, इसके लिए नहीं ना कि आप नियम दूसरे का फॉलो करें, अपना नियम बना के लोग की इसमें कार्य करें सर। वहीं बैठ के मर जाना, अगर एक मिनट सुनिए सुनिए, अगर सरकार इस चीज से खुश है, आप लोग खुश है कि हम लोग वहीं बैठे बैठे मर जाए, तो हम लोग अभी उठ के चल जाएंगे वहाँ। एकदम स्पष्ट बात, अगर सरकार चाहती है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं बैठे बैठे मर जाए, पिछले 47-48 दिन से जिस तरह से हम लोगों से कोई वार्ता नहीं की गई, कोई मतलब नहीं रखा गया सर, पहले क्यों नहीं रखा गया, इस स्थिति में क्यों लाया गया? नहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग पहला दिन आए और यहाँ आके धमक गए, नहीं ऐसे नहीं होता है, पहला दिन हम लोग आए ऐसे नहीं आके माननीय मंत्री सेक्रेटरी को बुला के उसे जो अनुभव में 30 नंबर है उसमें जोड़वा दिए कि सिर्फ होटल फाइनेंस में जो काम किया है उसी को अनुभव का 30 नंबर मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, आप लोग पता कर लीजिए। क्यों नहीं हटा दिया गया आज, अगर सरकार इतना इतना सारे सिस्टम को लेके चल रही है एक्सटेंशन क्यों मिला हम लोग, आप अपना काम कराने के लिए हमको एक्सटेंशन दिया 9 महीना का और आज जब हम उस 9 महीना का हक मांग रहे हैं तो आप हमको ये बोलते हैं कि 30% का लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है, नहीं सर ये तो गलत बात है। आप खुद सोच के देखिए 31 मार्च को हमारा संविदा समाप्त, 14वें वीक खत्म, आपका तो काम तो हम 15वें वीक का नहीं किया सर, 15वें वीक का काम था ना, तो ठगने का काम तो आप कर दिए सर पहले मेरे साथ, और आज आप हमको नियम बता रहे हैं। सर क्या बोला सर, नियम किसका काम है सर, नियम सर हटा दीजिए, मारिए करवाइए, दिए लाठी डंडा पिटवाइए सबको, यहाँ सर हम लोग इंसान थोड़ी है, जिन्होंने केंद्र सरकार को 2 बार पत्र लिखा है, किसी स्टेट के मंत्री ने लिखा है, किसी स्टेट के मंत्री, सर सरकार मतलब साधने के लिए काम करती है या लोकहित में काम करती है? दूसरा मामला नल जल योजना के तहत लिया गया है सर, फिर हम लोग सर ये सिस्टम हम लोग को भी कोई योजना में डाल नहीं सकते, कोई भी योजना हम लोग को डाल के काम देने क्या बोलिए, क्या बोल धीरे बोलो ना जी, कोई बहरा थोड़ा है सर, मेरा आवाज ही ऐसा है, सही बात है, कोई बहरा नहीं बोली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है ना कि अगर कोई चीज नहीं होता है तब आदमी धरना प्रदर्शन करता है, आपका तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है, आप लोग धरना प्रदर्शन में लग गए हैं, दबाव बनाने में लग गए हैं, तो फिर हो रहा है ना, बातचीत हो रहा है ना, सर हम लोग 14 दिन से सिर्फ वेतन मिलता था सर, आज कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा हुआ है, समझ आ रहे, 1 महीने से आप लोग कर रहे हैं ये धरना, आप लोग का भी वो कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होने वाला है, अगर मंत्री को आप जाने नहीं देगा तो वो चर्चा ही नहीं होगा, अगर आप कैसे बैठेगा तो मंत्री को कैसे जाएंगे, हल्ला नहीं करो और कोई मिनट दूसरी चीज है कि फैमिली डरा है, यहाँ पर इस तरह से नारेबाजी अच्छा नहीं लगता बिना इन्फॉर्मेशन के, लड़ाई करने के लिए सर लगाई सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, समाधान देंगे,
हम हेल्थ में काम करते हैं, आपके रिक्वेस्ट में काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी अवैध नहीं करके माई बहन की भी धोखा के बारे सुनिए, आप लोग कंप्लेंट सुन लीजिए।